नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल कलावती रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ एक नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस रेसिपी को ट्राई करें। आज मैं कीमा छोला बनाने जा रही हूँ। कीमा छोला में लगने वाली सामग्री गोटा जीरा, तेज पत्ता, दो गोटा लाल मिर्च, गोटा गरम मसाला में हरी इलायची चार, दालचीनी चार, लवंग, गरम मसाला पाउडर एक चम्मच, अदरक का पेस्ट एक चम्मच, जीरा, तीन सूखी लाल मिर्च सिलबट्टे पर पीस लिया से एक चम्मच, लहसुन का पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी पाउडर डेढ़ चम्मच, धनिया पाउडर दो चम्मच, नमक, चिकन कीमा 100 ग्राम, एक मीडियम प्याज बारीक कटा हुआ, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, दो प्याज का पेस्ट, 250 ग्राम काबली चना 7 से 8 घंटा पानी में भिगोया हुआ, सरसों तेल। सबसे पहले चने को उबालने के लिए मैं कुकर में भिगोया हुआ चना डाल रही हूँ। अब मैं पानी डालकर 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक डालकर 6 से 7 सीटी लगने तक पकाऊंगी। बड़े कुकर में 3 से 4 सीटी में पक जाएगा। चना उबल चुका है, अब मैं ग्रेवी तैयार करूंगी। कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल डालकर अच्छे से गरम करूंगी, तेल में धुआं निकलने तक। अगर आपको सरसों का तेल पसंद नहीं है तो आप जो तेल यूज करते हैं आप उसी तेल में बना सकते हैं। मैं इसमें गोटा जीरा, लाल मिर्च तोड़कर डाल रही हूं। अब मैं हरी इलायची को खोलकर डाल रही हूं। दालचीनी को तोड़कर डाल रही हूँ। हरी इलायची को हमेशा खोलकर डालना चाहिए, नहीं तो गरम तेल में डालने से फटने लगता है। लौंग डाल रही हूँ और तेज पत्ता डालने के बाद बारीक कटा प्याज डाल रही हूँ। प्याज को 1 से 2 मिनट गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज अच्छे से भून चुका है, अब प्याज का पेस्ट डाल रही हूँ। प्याज का पेस्ट डालने के बाद 2 से 3 मिनट भूनना है। अगर आपके पास पेस्ट करने का साधन नहीं है तो आप तेल में जब प्याज डालते हैं उस समय ही 2 प्याज बारीक कटा हुआ डाल सकते हैं। अब मैं इसमें लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट डालकर 2 से 3 मिनट भूनूंगी। अब मैं जीरा और मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ। मैंने सिलबट्टे पे पीसा है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप चाहें तो जीरा और मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब धनिया पाउडर डालकर भूनना है। हल्दी पाउडर डालकर 2 से 3 मिनट भूनूंगी। अब 1 कप पानी डालकर मसाले को पकाना है। अब चिकन कीमा को डालकर भूनना है।
चिकन कीमा पकने में 2 से 3 मिनट लगता है। ये देखिए चिकन और मसाला भून चुका है। ये देखिए तेल कैसे साइड से दिख रहा है। अब मैं बारीक कटा टमाटर डाल रही हूँ। नमक डालकर 3 से 4 मिनट टमाटर गलने तक भूनना है। आधा चम्मच चीनी डाल रही हूँ। चीनी डालने के बाद 1 मिनट भूनना है। चीनी डालने से ग्रेवी का कलर भी अच्छा दिखता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। चना ऐसा ही उबलना चाहिए। अब मैं इसमें उबला हुआ काबुली चना डाल रही हूँ। अब इसे मसाले के साथ मिक्स कर रही हूँ। मैंने उबला हुआ चने का पानी अलग से रखा था, अब मैं इसमें डाल रही हूँ। चने का पानी डालने के बाद 2 से 3 मिनट पकाना है। उतारने से पहले कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। उतारने से पहले डालने से ग्रेवी का कलर अच्छा दिखता है। अब गरम मसाला पाउडर डालकर 1 मिनट ढककर पकाऊंगी ताकि गरम मसाले का खुशबू बना रहे। ये देखिए दोस्तों, कीमा छोला बनकर तैयार है। अब मैं इसे बाउल में निकाल रही हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपका कोई सुझाव हो या प्रश्न हो तो आप कमेंट करके बताएं। ये देखिए रेस्टोरेंट जैसा कीमा छोला। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद ना आए तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी आपको पहले दिखे। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।